हम इंदौर से, हमारी संस्था का नाम है श्री हनुमान ध्वज पदक शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था, जिसके माध्यम से हम ढोल वादन से हनुमान ध्वज पदक संस्था ऑपरेट करते हैं, ताकि भक्ति भाव में बच्चे ढोल माध्यम से जुड़ पाए। इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, छोटे बच्चे से लेके 50-60 ईयर्स तक के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका लक्ष्य सिर्फ धार्मिक रूप से जुड़ना होता है। अभी तक हमारे संस्था के 250 लोग मेंबर हैं, और इस संस्था में अभी सबसे बड़े भव्य प्रस्तुति केदारनाथ, और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने आज रंजित बाबा के प्रभात फेरे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में ढोल उतारे गए, और तीसरा अभी हमने अटारी बॉर्डर पर बनाया है, जहाँ हमने पाकिस्तान की बॉर्डर के समीप महाकाल की बड़ी भव्य धुन की प्रस्तुति दी थी। हनुमान ध्वज पतक, जैसे अभी बागेश्वर सरकार ने बोला रण की जीत, तो इसकी बहुत एक अच्छी स्टोरी है। रंजीत बाबा के यहाँ महाराष्ट्र थीम पे उनके जन्म उत्सव पे आयोजन रखा गया था, जिसका नाम रखा था हनुमान बाड़ा, और मुझे वहाँ के गुरु जी का आदेश आया था कि आपको एक ऐसा कुछ परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ। तो जब वहाँ मुझे जगह मिली, तो मैंने उस रंजीत बाबा के आशीर्वाद से उस हनुमान बाड़े से श्री हनुमान ध्वज पदक नाम का उद्घोष किया। जी, कार्यक्रम आपने जी इंदौर में कब से चला रहे हैं, कैसा उत्साह लोगों के बच्चों, आपके युवा हमने देखा, युवा कैसा देखने को मिला? आपने बताया कि हम सनातन से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं जी, क्या चल जी? आजकल की युवा पीढ़ी देखा जाए तो नशे के माध्यम में, मतलब उनका एक समय हो जाता है शाम को 7 से 9 बजे, या तो नशे की तरफ भागते हैं, या डीजे, या सोशल गैदरिंग करके थोड़ा बिगड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है कि आप तो मोबाइल वगैरह से दूर होते ही, साथ वाद्य यंत्र से अपने सनातन की तरफ भी अग्रसर होते हैं, क्योंकि इसमें श्लोकों का उच्चारण होता है, भगवानों के नाम का घोष होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इस माध्यम से सनातन तरफ से भी जुड़ पाते हैं। कार्यक्रम के अलावा सिर्फ धार्मिक,